स्टूडेंट्स, सो वी आर रीडिंग लेसन क्यू एंड ए विद डायना वैना जोन्स. एज यू नो, दिस इज ए लेसन इन विच डायना वैना जोन्स हैविंग द इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू वॉज टेकन बाय द बुक शेल्फ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही राइज फॉर द डायना वैना जोन एंड दिस इज द क्वेश्चन हियर. ओके, सो दिस इज हाउ ही इज क्वेश्चनिंग द आंसर. Okay, so not feeling restless, adhariya. The most of the way most people do things and not very good tempered with it. जो है जो बहुत सारे जो पीपल्स हैं अधैर्य के साथ जो काम करते हैं एंड नॉट वेरी गुड टेम्पर्ड विद इट. उनका जो जब उसका जो है माइंड है बहुत ही अच्छा नहीं होता उस टाइम पे. ठीक है, नाउ अगेन क्वेश्चन. You have said you don't start out with a thoroughly plotted book. Thoroughly plotted books means होता है in detailed manner. Okay, मतलब हमने thoroughly उसके बारे में जान लिया है. What do you start out with when you begin writing? आप जो bookshelf question put कर रहा है कि जब आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं तो पहले आप उसका plot बनाओगे ना. कोई भी imagine आपने पूरा उस चीज़ के बारे में पूरा प्लॉट बनाना होता है कि कैसे हम करेक्टर लेते हैं, कैसे वो है सब. तो आप कैसे मतलब अपनी जो है राइटिंग जो है कुछ भी बुक है कैसे स्टार्ट करते हो? आई स्टार्ट आउट विद पीपल वेरी ऑफन. जैसे आई स्टार्ट आउट विद पीपल वेरी ऑफन. ऑफन मीन अक्सर. तो मैं कैसे मतलब अपनी स्टार्टिंग करती हूँ राइटिंग के? ऑल्सो सम वेरी वेरी क्लियर सीन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बुक. और जो है जो मिडल जो है कहानी है हमारी जो भी है वेरी क्लियर फ्रॉम द सीन. मिडल से पता लग जाता है. एंड यूजुअली ए नोशन. नोशन मीन्स आइडिया ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू गो इन द एंड. मतलब बीच में से हमें पता लगता है कि किस तरह से जो इसका एंड जो जाएगा. बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस. यह हमेशा नहीं होता. बट इट इज़ द क्लियर पिक्चर फ्रॉम द मिडल. दैट्स द इम्पॉर्टेंट बाइट. जो बीच में जो मिडल है वहाँ से मुझे पता लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है बिट है. आई थिंक इन द केस ऑफ द हाउस ऑफ मैनी वे, जो अपने बुक के बारे में बता रही है, द हाउस ऑफ मैनी वे, इट वॉज द बिट वेन पीटर फर्स्ट कम्स इन आउट ऑफ द रेन. तो वो अपनी स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी जो है बता रही है कि किस तरह से जो इसकी स्टोरी जो है स्टार्ट होती है. ठीक है, इनटू ऑल द बबल्स इन द किचन. सो पीटर कैसे जो है वहाँ से रेन है और वो कैसे बाहर आता है. इनटू द बबल्स इन द किचन एंड द चार्मिन रीचेस आउट एंड शट हिज माउथ विद अ क्लॉप. और किस तरह से वो अपना जो है क्लॉप मीन्स हेयर loud sound like the sound made by the horse hooves on the hard surface पे जो है वो जो flop कर दी. because that for the some reason was a very enduring means thai image and I knew that was there somewhere. But as I say, the lobo which came just before that was completely uncharted. Means वो जो है जब वो राइट करती है स्टोरी कुछ भी तो वो स्टार्टिंग में जो भी है कुछ भी ऐसे ही ले लेती है. ठीक है, सो वेन आई यूज टू गो एंड विजिट स्कूल. अब जो है डायना मैना बता रही है जब वो स्कूल जाती है, आई ऑलवेज यूज टू शॉक द टीचर. Shock the teacher because I used to tell the kids that I did not plan it out. मतलब जब वो स्कूल में जाती है डायना मैना और वो जो है बच्चों को बताती है कि मैंने कोई भी प्लान नहीं करती. जब भी मैं कुछ लिखती हूँ राइट करती हूँ तो मैंने कभी भी प्लान नहीं किया. ओके, सो आई वेटेड टू सी हाउ वी गॉट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पिक्चर. कि हम कैसे हम शुरुआत करते हैं. आई हैड गॉट ऑफ द मिडल ऑफ द बुक और समवेयर इन टू द बुक एनी वे. मीन्स कहाँ से कैसे शुरुआत करते हैं, क्या सोच के रखा होता है. दे वर ऑलवेज वेरी शॉक्ड. मीन्स जब वो बताती है मैंने कोई प्लान नहीं किया होता है तो
तो बहुत ज़्यादा उसको शॉक्ड होता है। बच्चे बहुत शॉक्ड होते हैं कि कोई भी प्लानिंग नहीं है, बिकॉज दे ऑलवेज इंसिस्ट ऑन ऑल देयर किड्स प्लानिंग इट आउट इन एडवांस, बिकॉज उनको जो है बताया जाता है कुछ भी आप प्लान करते कुछ भी करते हो तो उसके लिए प्लानिंग आपको एडवांस में करनी होती है। आई डिड ए सॉर्ट ऑफ प्लीड मीन्स हियर प्रेयर, दैट इज प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना, ओके, प्लीड विद दैम दैट दिस वॉज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता, इनफैक्ट सम पीपल आर बेटर फॉर मेकिंग इट अप एज इट गोज अलोन, ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है प्लान करना। जो है डायना वैना जॉन जो है कोई भी अपनी जो है स्टोरी का जो प्लान करती है कोई प्लान नहीं करती, वो जस्ट राइट करती है कहीं से भी उसको मिडल से स्टार्टिंग से, तो उसको जो है आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से इसके जो है स्टोरी जो है एंड होएगी, ओके। सो इफ़ आई ट्राई टू प्लान एनीथिंग आउट इन दैट काइंड ऑफ डिटेल इट जस्ट गोज कम्प्लीट ब्लैंक, अगर मैं कोई चीज़ है ना प्लान करके लिखती हूँ, कुछ भी मैंने प्लान कर लिया, दैट वॉज कम्प्लीट ब्लैंक, मुझे पता ही नहीं लगता क्या है, ब्लैंक हो जाता है, मुझे पता ही नहीं है ऑन मी एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट आई हैव रिटन एज ए प्लान, और जो मैंने प्लान बनाया था ना मुझे पता ही नहीं है कि मैंने वो क्या प्लान बनाया था, आई जस्ट फाउंड ए प्लान सेवरल वीक्स एगो, और जैसे मैंने वो प्लान बनाया सेवरल वीक्स एगो, एक्चुअली व्हेन आई वॉज लुकिंग थॉरली स्टफ, जो है किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो लिखती है टू सी वॉट आई हैव गॉट, मैंने क्या लिखा, एंड आई लुकड एट दिस प्लान, जब मैं उस प्लान को देखती हूँ एंड आई न्यू इट वॉज नॉट एनी प्लान ऑफ एनी बुक, मैंने प्लान किया लेकिन फिर मैं देखती हूँ ये तो किसी भी बुक का कोई प्लान ही नहीं है दैट आई हैड एक्चुअली रिटन, जो मैंने लिखा था, सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ वॉट आई हैड डन, जो मैंने प्लान किया था मैंने बनाया था मुझे खुद ही नहीं समझ में आता वॉट आई हैड डन, इट वॉज जस्ट लाइक ए मैप, सो चार्मिन ट्राइज टू गेट टू द पैलेस विद, सो वो बता रहे हैं कि किस तरह से वॉट एवर शी प्लान शी इज हर सेल्फ नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी हैड प्लान्ड, ओके, सो दैट बिकम ब्लैंक, जो भी उसने सोचा हुआ था वो सारा प्लानिंग जो है ब्लैंक हो जाता है। ऑल ट्विस्टिंग्स मीन्स यार कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल हो जाता है, एंड कम्प्लीटली ऑब्सक्योर मीन्स वैग्यू दैट इज़ नॉट क्लियर, एंड आई हैड लेफ्ट लिटल नोट्स फॉर माई सेल्फ विच वेयर ऑल्सो ऑब्सक्योर, और जो मैंने जो अपने साथ जो नोट्स रखे थे वो भी जो है क्लियर नहीं थे, गुडनेस नोज वट आई मैंट, जो है मुझे गुडनेस नो वट आई मैंट, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें के बारे में, ठीक है। अगेन बुक सेल्फ अगेन क्वेश्चंस बैक व्हेन आई फर्स्ट इंटरव्यूड यू, बुक सेल्फ ने कहा जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था अबाउट 18 years ago, 18 साल पहले मैंने जब आपका इंटरव्यू लिया, यू टोल्ड मी दैट यू रोट द फर्स्ट ड्राफ्ट्स ऑफ योर बुक्स इन द लॉन्ग हैंड सिटिंग इन योर आर्म चेयर, डू यू स्टिल डू दैट, लॉन्ग हैंड मीन्स हियर वॉट, जस्ट दैट टाइम शी इज़ यूजिंग वैन शी वॉज टू राइट टाइप राइटर, सो अब भी वो क्या ऐसे ही करती हैं आम चेयर पर बैठ के और वो जो है अब भी ऐसे ही लिखती हैं, आई डू ऐसे ही करती हूँ, इट्स ओनली वे आई नो